हूँ जुशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे। यहाँ सिविल लाइन क्षेत्र पूर्व विधायक स्वर्गीय सूर्यभान सिंह के आवास पर सीएम पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि और परिवार वालों से मुलाकात की। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने प्रदेश में एक अनूठी पहल का शुभारंभ किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की सभी पंचायतों में एक खाद किट दी जाएगी, जिसके माध्यम से युवा बुजुर्ग अपनी अपनी चौपालों और मंदिरों पर भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। इसके माध्यम से जो अपनी संस्कृति को युवा भूलते जा रहे हैं, उसको जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि जैसे पुराने समय में मंदिर चौपालों का भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता था, उसी तरह से कार्यक्रम प्रदेश की सरकार की ओर से आयोजित किए जाएंगे। संस्कृति विभाग का मतलब ही है कि भारत की पुरानी परंपराएं, पुराने संस्कार, पुरानी मान्यताएं जो हमारे समाज में थी, जो रीतियां, नीतियां, एक दूसरे संपर्क, सम्मान, भजन, कीर्तन, आध्यात्मिकता, उसको पुनर्जीवित करना, उसको कायम रखना और उसको संवर्धित करने का काम संस्कृति विभाग करता है। गाजीपुर में सरकार की ओर से जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम के तहत लोगों को घरौनी का प्रमाण पत्र बांटे गए। यूपी सरकार ने लोगों को घरों जमीनों के लिए घरौनी प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई, जिसके जारी होने से लोगों के पास अपनी जमीन, घर के कागजात के प्रमाण पत्र की सहूलियत रहेगी। कार्यक्रम में बीजेपी MLC विशाल सिंह चंचल, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के अलावा तमाम प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी कानपुर के दौरे पर पहुंचे। यहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। बता दें कि नजायज कब्जे और अवैध इमारतों के बनने की शिकायत को देखते हुए बोर्ड के चेयरमैन यहां पहुंचे। वहीं चेयरमैन अली जैदी ने सूटोसगंज की मस्जिद पर निरीक्षण किया। अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द कर अवैध कब्जे को मुक्त कराया जाएगा। यहाँ के दो चार वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करना और यहाँ के लोगों से मिलना और यहाँ के लोगों की शिकायतें जानना, जो वक्फ संपत्ति पे लोग रह रहे हैं उनकी कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ जो है मुतवल्ली हैं वो मौके पे चाहते हैं कि वक्फ संपत्ति का निरीक्षण हो। बाकी हमें कुछ ज़मीनें चिन्हित करनी हैं कि जिनका हम इस्तेमाल जो है कम्युनिटी के लिए कर सकें। कुछ ज़मीनों पर स्कूल बन सकें, कुछ ज़मीनों पर अस्पताल बन सकें और ऐसी कुछ जो है योजनाएं जिनको अल्पसंख्यकों के लिए जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की है उससे जो है जनता को जोड़ा जा सके। महाराष्ट्र में हुए सियासी उथल पुथल पर हरदोई में भाजपा नेता आरिफ खान शानू ने बयान दिया। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को ठगने का आरोप लगाया और कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश की जनता का सम्मान होगा। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि भाजपा नेता ने प्राइम टीवी से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है सर, गठबंधन सरकार को लेके। हमारे साथ आज भाजपा के नेता आरिफ खान सानू हैं, इनसे जानेंगे कि क्या जो महाराष्ट्र में घमासान युद्ध चल रहा है सरकार को लेके, ये महा अगाड़ी को लेके, और किस तरीके से सरकार अपनी बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरिफ खान सानू। धन्यवाद। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र की सरकार बनी थी NCP और शिवसेना और कांग्रेस, ये तीन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। सरकार तो बनी लेकिन जनता को छलने का काम किया। फिर अब समय ऐसा है कि सबका साथ सबका विकास, जब साथ और विकास नहीं हो पा रहा है तो कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। इसी वजह से शिंदे साहब ने एक प्लान किया कि जनता के हितों की बात नहीं हो रही, जनता के विकास की बात नहीं हो रही, हम अपना दल बनाकर हम अब नई सरकार बनाएंगे और जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रवीण फडणवीस जो हैं इनको मुख्यमंत्री बनाकर जनता का पूरी तरीके से विश्वास और साथ जीतेंगे और उसका जो है सम्मान करेंगे और विकास करेंगे। क्योंकि इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन ये लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वही हाल यहाँ पर महाराष्ट्र में हुआ है, जो कि बहुत ही निंदनीय है।
आपको क्या लगता है कि सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी या गठबंधन से बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ तो तमाम लोग लगातार जुड़े रहे हैं, मुझे तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जानी चाहिए, जिससे कि जनता के चेहरों पर मुस्कान लाई जा सके और ये दल चाहे जितने भी इकट्ठा हो जाएं भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उड़ान नीचे स्तर से लेकर उच्च स्तर तक है, क्योंकि वो सिर्फ जनता का ही काम और जनता के चेहरों पर मुस्कान लाने का ही काम करना चाहती है, ना कि अपनी जेबें। इन लोगों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया, जनता को तो जीरो पे ला के खड़ा कर दिया, जो कि बहुत ही निंदनीय। जनता का भला करिए, जनता का विकास करिए, जनता की तरक्की चाहिए, तब जो मामले बनेंगे तभी सरकार बनती है। क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार बना पाएंगे? हाँ, बनाना चाहिए, हम लोग तो पूरी तरीके से चाहते हैं कि उनकी सरकार बन जाए और मिशन चल रहा है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हमारे साथ भाजपा के नेता आरिफ खान सानू थे, जो यहाँ हरदोई जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, और इनके साथ खास चर्चा की। इन्होंने बताया कि भाजपा ऊंचे पायदान पे है और अपनी बढ़त बनाए हुए है, कहीं ना कहीं सरकार बनाने अपना योगदान बहुमत से पूर्ण रखेगी। कैमरामैन आनंद के साथ हर्षराज सिंह, हरदोई, महाराष्ट्र। में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IMS न्यूरोलॉजी विभाग की ओर से मालवीय उन्मूलन केंद्र BHU में न्यूरो इन्फेक्शन अपडेट 2022 का शुभारंभ किया गया। विश्वविद्यालय में कुलगुरु प्रोफेसर वीके शुक्ला ने दीप प्रज्वलित किया और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा ने कहा कि न्यूरो के क्षेत्र में इन्फेक्शन काफी बड़ा है। ये पिछले पैंडेमिक से लेकर के अब तक काफी ऐसे समय देश ने और विश्व ने देखा जहाँ बहुत ढेर सारे इन्फेक्शन आपने देखे होंगे। तो ब्रेन का जो इन्फेक्शन होता है, जो नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन होता है, वो मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा इफेक्ट देता है, बहुत बड़ा आघात देता है। इनसे कैसे इनको डायग्नोज करें, कैसे इलाज करें और कैसे इनसे बचें, इसी पर ये दो दिनों का मंथन यहाँ चल रहा है। राजनगरी आगरा में ब्लॉगर रितिका हत्याकांड से जुड़े वीडियो एक एक कर सामने आ रहे हैं। बता दें कि 24 जून को हुई हत्याकांड के मामले में कई खुलासे हुए, जहां रितिका को उसके पति और नंद ने ओमश्री अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से फेंक दिया और थोड़ी देर बाद आरोपी पति रितिका के गले का फंदा और हाथ की रस्सी खोलने आया था। इसका वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के साथ पुलिस ने अब तक रितिका के पति आकाश गौतम, उसकी दो बहनें और रितिका के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। SSP का कहना है कि इस मामले में लड़की के परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो नामजद आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। संबंधित कुछ वीडियो और फोटोज भी मिले हैं। जो भी लोग इस मामले में है उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो लड़की के घर वाले हैं उनकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें जो नामजद लोग हैं उसमें दो की गिरफ्तारी हो गई है और डिटेल पूछताछ उनसे की गई है, क्या कारण था, क्यों इस तरह का उन्होंने कृत्य किया और क्या क्या घटनाक्रम रहा, उससे संबंधित कुछ वीडियोज़ भी मिले हैं, CCTV फुटेज भी मिले हैं और जो अपार्टमेंट है उसके CCTV उन्हें खंगाले जा रहे हैं और किस तरह घटना हुई, क्या क्या उसका फॉलोअप रहा, ये सारी चीज़ें एक तरह से रिक्रिएट सीन किया जा रहा है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो FSL की टीम को बुलाकर भी सीन का रिक्रिएशन कराया जाएगा। बाकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और बहुत जल्दी इसमें जो लोग संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मैनपुरी की ग्राम पंचायत आलीपुर खेड़ा ने विकास के क्षेत्र और सरकारी योजनाओं को अमली जमा पहनाने के क्षेत्र में प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत के प्रधान सन प्रकाश को प्रदेश सरकार की ओर से यशस्वी ग्राम प्रधान का खिताब दिया गया। ग्राम पंचायत आलीपुर खेड़ा के प्रदेश के प्रथम स्थान पर चयनित होने के बाद मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने ग्राम प्रधान सन प्रकाश को सम्मानित कर प्रमाण पत्र सौंपा है। पूरी ग्राम पंचायत जहाँ CCTV लेस बनाई गई है, तो वहीं ग्रामवासियों को फ्री वाईफाई की सुविधा के साथ तमाम आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। राज्य सरकार ने हमारे यहाँ से जो अलीपुर खेड़ा के प्रधान हैं संत प्रकाश जी, उनको यशस्वी प्रधान के खिताब न केवल दिया है बल्कि प्रदेश में उनकी रैंकिंग पहली आई है। उनके द्वारा जो गांव में विकास किए गए योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया गया है, जो भी इस तरह के विकास कार्य किए गए हैं उस पर उनकी रैंकिंग की गई है और उनको इसलिए सरकार ने और जो इनके डिपार्टमेंट में इन्होंने इसको योग्य माना है और उस पर उनको खिताब। उत्तर प्रदेश में
कैसे कैसे गांव में विकास कर रहे हैं लोग। तो हमें एक गांव मिला सर, सिद्धार्थनगर हसुड़ी और शांतपुर ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में। तो वहां हम गए, वहां हमने देखा, वहां देखा तो उनका हमने पूरा विकास देखा, तो हमने पता किया कैसे कैसे आपने किया, तो वहां से हम कुछ लेके आए जानकारी। फिर हमने सर्च किया अपना एक और उत्तर प्रदेश का हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है उपेड़ा गांव, वहां गए, वहां से हमारी बात हुई, ग्राम पंचायत देखा, तो हमें भी ये लगा कि अपनी ग्राम पंचायत हम। एक तरफ जहां देश आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। लेकिन गोंडा में करीब दलित परिवार आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना, नाली व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ताजा मामला ग्राम पंचायत पहाड़पुर के दया रामपुरवा का है, जहाँ गरीब परिवार को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि आजादी से आज तक गाँव में ना तो नाली है ना ही सड़क का निर्माण कराया गया है। वहीं गांव के जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों में जल भराव की समस्या बनी रहती है। क्या समस्या साहब, लड़के हमारे नान है, घर बनवाए नहीं पाई थे। प्रधान कॉलोनी देख कहा 10 साल बीत गए, उनका हाथ तक नहीं दे पाई नहीं। बरखा होने वाली, आप कैसे खाना बनाएंगे, कैसे रहेंगे, आपके पास नहीं बताई बन पाई तो मैं बनी। अब योगी तो कॉलोनी देख कब्बस नहीं कहा था, लेकिन यहाँ मिलते ही नहीं, काजनी कहाँ हरा जा। समस्या है कि घर बनाना है, प्रधान कॉलोनी नहीं दिया था, हर एक चीज़ की दिक्कत है, ना रहे ठिकाना, पानी बरसा था तो जगह नहीं है रहने का, 4 बच्चे हैं किस तरह पाले, कहाँ रहें। तो प्रधान लोग कॉलोनी नहीं दिया था, कहते हैं देंगे लेकिन देते नहीं है। खबर संभल से है, जहां पर योगी सरकार एक तरफ भूमाफियाओं पर शिकंजा कसती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। थाना कैलाश देवी क्षेत्र के गांव निबोरा में पीड़ित ब्रह्मपाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने 1 साल पहले अपना खेत भीकम सिंह की पत्नी को बेच दिया था। विक्रम सिंह ने भतीजे सुखराज की जमीन पर कब्जा कर लिया। इस बात की शिकायत पत्र थाना कैला देवी को दी गई, लेकिन दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। डीएम साहब को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार भी लगाई गई है। जमीन का कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा भीकम सिंह ने जी, और हम अपने खेत पे जाते हैं तो असला लेकर, अपने राइफल लाइसेंसी लेकर और उसके अवैध असला हैं उसके लड़के से, तो हम पे वो तान देता है। हमारे चचा ने जमीन बेची है उनको, भीकम सिंह को अपना हिस्सा, इनका हिस्सा छोड़ के हमारे पे कब्जा कर रहा है। 1 साल पहले बेची थी हमारे चचा ने, अब वो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। तो अब यहाँ डीएम साहब के यहाँ आए, अब हम डीएम साहब के यहाँ आए अपनी फरियाद लेकर के। सब हम यूँ आए, जो हिस्सा हमने बेचा है उसको नहीं ले रहे, दो फसलें काट ली उसमें से जो हमने बेचा जी। अब 8 दिन से 10 दिन से इनके उसको हिस्सा पे कब्जा कर लो है। कौन लोग हैं वो? गांव के ये क्या नाम है उनके? भीकम। अच्छा, क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं साहब, वो जो हिस्सा हमने बेचा है उसे ले। शहर के डिवाई विकास खंड के नगला चौरौरी गांव में बने प्राथमिक विद्यालय में मासूम बच्चों से झाड़ू लगाने के मामले में बीएसए ने एक्शन लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने डिवाई एबीएस को जांच सौंपते हुए दोषियों पर जल्द कार्रवाई किए जाने का दावा किया है। बता दें कि नगला चिरौरी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की मौजूदगी में झाड़ू लगवाई जा रही थी। शिक्षकों के इस कारनामे को स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बच्चों से विद्यालय परिसर में झाड़ू लगवाने सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीएसए ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। ये वीडियो आज का ही है और ये नंगला चोरी जो उसमें डिवाई ब्लॉक में स्कूल पढ़ता है, और ये आज की घटना है, और इसमें संबंधित जो उस ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे जांच कराकर और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वीडियो में दिखाई दे रहा है कोई टीचर भी है, कौन है टीचर? ये टीचर राजीव कुमार नाम के टीचर हैं, जो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया, चूँकि आज इंचार्ज जो टीचर थे वो छुट्टी पर, तो यहाँ सहायक अध्यापक जो आज वर्तमान में उपस्थित था उसी के सामने ये सब काम हुआ। क्या सर ऐसे बच्चों से काम करवाया जा सकता है स्कूल में? नहीं, स्कूल में काम कराने पर प्रतिबंध है इस तरह का काम कराने।
अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र में दो मासूम बच्चों के साथ एक महिला सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस के द्वारा महिला को एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। महिला ने बताया कि उसका पति घर से लापता हो गया था और वो पति की तलाश के लिए बच्चों के साथ बाहर निकली और इलाहाबाद निवासी महिला पति को ढूंढते हुए अलीगढ़ आ गई। यहाँ पर महिला को अज्ञात व्यक्ति ने जहर खुरानी का शिकार बना दिया। फिलहाल अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना सासनी गेट के नसीरुद्दीन उर्फ नसरा पुत्र शहाबुद्दीन 18 जून 2022 से लापता है, जिसको लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग आज शमशाद मार्केट स्थित महापौर के कार्यालय पर पहुंचे और नसीरुद्दीन की जल्द घर वापसी कराने का अनुरोध किया। महापौर ने भी सभी लोगों की बात सुनी और नसीरुद्दीन की गुमशुदगी का संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गुमशुदा को जल्द ही तलाश किया जाएगा। हमारे सर गांव के नसरुद्दीन खान साहब थे, वो सर ट्री चलाते थे। 18 तारीख को वो मर्राक से ट्री लेकर चले हैं और शाम को 7 बजे तो उनकी ट्री 19 तारीख को सुबह बिना बैटरी के एडीए पुलिस चौकी के निकट वाला रोड पर मिली है और नसरुद्दीन नहीं मिले। 18 तारीख का मामला है, आज 25-26 तारीख तक उन्होंने पते पते नहीं है। नसरुद्दीन एक नाम का आदमी जिसकी ट्री और दोनों चीज़ें गायब हो गई थी, ट्री तो मिल गई, नसरुद्दीन एक हफ्ते से नहीं लौटे। मैंने कप्तान से बात की है, कप्तान ने फौरन एक्शन में आए वो, और सीओ को और एसओ को उन्होंने हिदायत दी है कि जिन लोगों के ये नाम बता रहे हैं उनके कहने के मुताबिक उनको जिन पे शक है उन्हें फौरन उठवाया जाए, तो उन्होंने कहा मैं 24 घंटे में गिरफ्तार कर लूँगा। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के लिए योगी सरकार ने गो आश्रय केंद्र का निर्माण कराया गया है, जहां आवारा पशुओं को देखभाल के सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। पशुओं की देखभाल के लिए डॉक्टरों को तैनात की गई है, लेकिन बलिया जनपद के और रेवती नगर पंचायत में बना गो आश्रय की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। आश्रम में आवारा पशुओं की मौत हो गई और नगर पंचायत के कर्मचारियों को जानकारी तक नहीं दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गो आश्रय केंद्र के ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी या नहीं। पहले का वही डॉक्टर साहब रिपोर्ट लगा है, तो अभी तक 3 तो मरे हैं पहले से। पहले बहुत पहले, कितने दिन पहले? करीब 2-3 साल, 2.5 साल पहले था। तो उसके बाद से कोई नहीं कोई गाय की मौत नहीं हुई है? कोई यहाँ एक बछड़ा दिख रहा है, यहाँ मौत पड़ा हुआ है रुकी घर पर, क्या आप लोगों को जानकारी में है? डॉक्टर साहब को बोला गया, आ रहे हैं वो इलाज करने के लिए। अभी थोड़ा क्या उसका है, कोई मरा नहीं है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।